जी सदगुरु मेरा बानिया और बणज करे बेपार। अरे बिन डांडी बिन पालवा और तोल लियो संसार। ऐ जी सदगुरु की महिमा अनंत है न अनंत किया उपकार। अरे अनंत लो सब उघाड़िया और अनंत दिखा सदगुरु हमारे एक है रे। सदगुरु हमारे एक है न तुम लग मेरी डोर। जैसे कागजाज पे मोह सूजे और न ठो। इसलिए सभी आप भेदी पुरुषों से यही निवेदन प्रार्थना अर्ज और गुजारिश है कि कम से कम वो भेद से हमें भी वाकिफ करवा दें और हमारे भी नाड़ी और नब्ज को पकड़ करके जो रोग हैं जितने वो कोई ऐसी जड़ी दे दे कि सब रोग कट जाए। इसलिए सोने में कीट नहीं लगती ऐसे। इसलिए
वैसे आज का जो कार्यक्रम है वो जो संगीत के बारे में आप बहुत ज्यादा सभी मर्मी हैं, सभी भेदियां हैं, सभी जानकार हैं। मेरे जीवन में ये जो संगी मिले हैं ये इस संगीत की वजह से ही मिले, क्योंकि हमने सबसे आखिरी के अक्षर को आज हटा दिया है, तो आप सब हमारे संगी हैं और हम आपके साथ हैं। और जब समझ में आया कि यार पीछे को हटाओ आगे को हटा दो तो गीत सब सुन रहे हैं, पर मेरी दृष्टि में मैंने बीच के अक्षर को हटा दिया तो वो आप सब हैं, आप सब संत हैं। और संत के अंदर जो एहसास का जज्बात है वो केवल इन्हीं वाणियों में झलकता नहीं है, वो दिखता है, वो एहसास होता है। क्योंकि संतों की वाणी केवल गाने की नहीं है, एहसास की है, प्रत्यक्ष अनुभूति की है। और उस प्रत्यक्षानुभूति का एहसास सच्चे सदगुरु के द्वारा हम अपने अंतर की यात्रा को शुरू करने पर संभव होता है। इसलिए ही गुरु की शरण और गुरु के चरण और जो भी कुछ गाते हैं ठीक है। और सच्चा गुरु जो आप सभी हैं, क्योंकि वो गुरु तो सबके पास में है, ग्रेविटीज इन ऑल ह्यूमैनिटी, या सबके अंदर वो एक दूसरे के बीच में जुड़ने का जो जज्बात है वो इस माध्यम से है। और वही एक प्रकार से गुरु है, क्योंकि सदगुरु कबीर का एक पद है, आप सबको पता होगा कि कोई जाने का जाना नहारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा, या गढ़ भीतर सात समंदर, या ही में नदियाँ नारा। उसका अंतिम अंतर में वो ये कहते हैं कि या गढ़ भीतर तीन लोक है, या गढ़ भीतर तीन लोक है, या ही में है करतारा, और कहें कबीर सुनो भाई साधु, या ही में गुरु हमारा। वो गुरु आप सबके पास में है,
वो ग्रेविटी सबके पास में है, तो इसके लिए जब सबके पास में तो फिर कहाँ जाए गुरु के लिए, क्योंकि गुरु तो शब्द है। तो कबीर साहब का एक पद है कि गुरु की शरण या गुरु की चरण क्या है, गुरु की शरण क्या है, इसके लिए कहाँ जाए, उनका एक पद है। अरे जल में बसे कमुंदनी रे, जल में बसे कमुंदनी ने, चंदा बसे आकाश, अरे जो जाके हृदय बसे और वो वही के पास। और वो कैसा, उसको हाँ भी नहीं कह सकते ना भी नहीं कह सकते, ए जी हाँ कहूँ तो है नहीं ना, ना भी कहो नहीं जा, अरे हाँ और ना के बीच में मेरे सतगुरु रहा समा। तो इसलिए इधर आने की बात है और इसलिए कहा है, जिनका मन शब्द से जुड़ गया है तो फिर क्या होगा, अरे उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया, उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया, अरे फिर जगत दे देना रे मन तू गुरु शरण में क्या करें, अरे पास तत्व की बड़ी खाली काया महीने के कर लेना, दुकानदारियां बहुत हैं और उसकी सब ठेकेदारी भी ले रखी है, इसलिए उसकी निरख और परख है ना, विवेक रूपी तुला आप सबके पास में है, इसलिए वो कहते हैं कि तू समझ परख और उसके बाद में गुरु के पास जा, है ना, शब्द से जुड़, इसलिए कहा है, अरे घना गुरु विश्वास बंधावे उनकी मत सुन लेना, ठगियों में ठगिया रहता,
अरे जो गुरु जी थारो मस्तक मांगे, जो गुरु जी थारो मस्तक मांगे, अरे शीश काट धर देना रे मन तू गुरु शरण में रहना, अरे उतरो कपार पूरा गुरु मिलिया, उतरो कपार पूरा गुरु मिलिया, ये जी पीठ जगत दे देना रे मन तू गुरु शरण में रहना। और जो इस तरह से शीश का दान करता है या मंदिरों में, या हम गुरु को भी नारियल भेंट करते हैं, मंदिर में भी नारियल चढ़ाते हैं, इस तरह से हम चढ़ाएं तो ठीक है, क्योंकि नारियल भी किसी का शीश है। और कबीर परंपरा में नारियल जब गुरु को देते हैं तो पहले उसके ऊपर की सब चोटी वोटी निकाल करके उसके पास धो करके फिर देते हैं। मुझे ये बात समझ में आई कि जब तक इस शीश में भी आवरण रहेगा तब तक सही रूप से हमारा संकल्प करके गुरु को, भगवान को, जिसको भी चढ़ाना या देना है वो सार्थक नहीं होगा। पहले इधर का कचरा ठीक करें, निकाल दें उसके बाद में। और जो इस तरह से नारियल या शीश को दान करता है या भेंट करता है, तब उसको फोड़ने पर अंदर से चकाचक और झकाझक निकलता है। और जब तक अंदर से चकाचक और झकाझक नहीं हो तो हृदय रूपी समुद्र में गोता लगाना बहुत मुश्किल की बात है या नहीं। इसलिए आखिर में कबीर कहते हैं, अरे मोती चुगना रे ना समंद में लहर दरिया की लेना, हाँ मोती चुगना रे ना समंद में लहर दरिया की लेना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे जीवन मुक्त तो हो रहना रे मन तू गुरु शरण में रहना, अरे उतरो कपार पूरा गुरु मिलिया, उतरो कपार पूरा गुरु मिलिया, पीठ जगत से देना रे मन तू गुरु शरण में रहना, शरण में जिन जो रहते हैं या गुरु के चरण में जो घुल गया मिल गया तो उसको ऐसा नशा चढ़ता है कि फिर वो नशा उतरता नहीं। हम ऐसा नशा करते हैं जो थोड़ी सी देर में चढ़ता और फिर उतर जाता है। और वो नशा किस किस्म का है आप सब जानते हैं, बीड़ी सिगरेट गांजा भांग चरस अफीम शराब पता नहीं कितने तरह के हैं। और वो नशे ऐसे कि चढ़ते हैं और फिर उतर जाते हैं, नशा ऐसा करे कि फिर उतरे नहीं कभी। और वो नशा है प्रेम का, सद्भाव का, आत्मीयता का, सरलता का, सहजता का और अच्छी सोच और अच्छी करने का। और जिनकी जिनकी आंखों में ऐसा नशा चढ़ता है उनकी आंखें लाल हो जाती है। जिस तरह से कोई आदमी मेहंदी लगाता ना तो मेहंदी लगाने वाला भी लाल हो जाता है। और वो साहेब इसी तरह से सबके अंदर मौजूद है। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं, आप सब जानते हैं। उन्होंने इस तरह से कहा है, इस तरह से आपके आंख में ऐसी लाली चाहिए गुरु की। प्रकाश जी ने एक चिट्ठी भेजी है, जबकि वो खुद इतने अच्छा गाते हैं और इतने समझ परख और पारख के धनी हैं, उनको हम सुनने की इच्छा इसलिए ज्यादा, हम बकवास करना नहीं चाहते, हम आपको सुनना चाहते हैं। अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप सबकी आंखों में और हम सबकी आंखों में सदगुरु के ऐसा प्याला पी लें और ऐसा नशा चढ़े, ऐसी आंखें लाल हो जाए कि फिर बाद में वो उतरे नहीं। और वो है कैसी,
जी साहिब तमारी साहेबी और सब घट रही समा। अरे जो मेहंदी के पात में और लाली लखी नहीं जा, और जिन्होंने ऐसी लाली लखी, देखो उन्हें लाल को पेरिज रखे हुए, ये बाहर का भी परिचायक है, भीतर तो चढ़ा हुआ है से। ऐ जी लाली मेरे लाल की न जित देखूं उतलाल, अरे लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। और जब सब लाल हो जाओ तो फिर सब माला माल, और सबके पल्ले में लाल है, परंतु कोई ऐसे भेदिया, कोई ऐसे भेदिया उस पल्ले में से लाल को खोल करके हाथ में रखे तो माला माल, नहीं तो लाल रहते हुए भी कंगाल। इसलिए वो समझ परख और पारख रूपी लाल ऐसे संतों, ऐसे साधकों के मार्फत यदि हमारे जीवन में साक्षीभूत कर लें तो हम भी माला माल हो जाएंगे, नहीं तो लाल रहते हुए भी कंगाल के कंगाल बने रहेंगे। इसलिए कहा है, ए जी लाल लाल तो सब कहे रे, और सबके पल्ले लाल, पर गांठ खोल देखा नहीं, तो तासे भया कंगाल। और वो लाली अच्छी करनी, अच्छी रहनी गहनी, अच्छी सोच से हर इंसान के जीवन में आना तक पक्का है। इसलिए कहा है कि हमारी करनी अच्छी हो, साबुत हो। मालवा में अच्छे के साबुत बिके, नेठू साबुत है वो, तो इसलिए नर नारी में एक विराज है, दो दुनिया में जीते क्यों
इस तरह से जब ऐसे गुरु मिले तब कहीं बात बने। और इसीलिए सबके मन को भाते हैं गुरु जी। गुरु वो शख्सियत है जो इंसान के जीवन के कर्मों की रेखा को, भर्मों को दूर करते हैं, और गुरु वो है जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर या अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए ऐसे कर्मों और भर्मों की रेखा को काटने वाले ऐसे जागृत महापुरुषों के सानिध्य में आकर के हम भी अपने कर्मों और भर्मों की जाल को स्वयं काट सकेंगे, उस रहने गहनी पर चल करके अपने अंतर की भी यात्रा को शुरू करें तब कहीं। और जब उस घर में आ गया वो अखंड रूप से सबको प्रेम और सद्भाव का प्याला पिलाता है, जैसा ऐसे सजग व्यक्ति तो सबको प्याले पिलाते हैं, प्रेम का, सद्भाव का, समझ का, फर्क का और एहसास का। इस वजह से एजगु अंधियारी जानिए और रूह कहिए प्रकाश, अरे मिटे अज्ञाने ज्ञान से और गुरु नाम है तास। क्या गुरु एज गुरु नाम है गम कान सिस सीख ले सो, ओ अरे बिन पद बिन मर जादन और गुरु शीष नहीं को। कबीर साहब ने शरीर को गुरु ही नहीं माना, परंतु वो शरीर बहुत आदरणीय है, वंदनीय है, जिनसे वो शब्द, वो समझ, वो एहसास हम अपने अंतर में कर लें, इसलिए शब्द ही गुरु है ऐसा कहा। इसलिए कहा कि ये गुरु नहीं है, गुरु क्या है, इसलिए कहा है जी ये सब गुरु है हद के न बेहद के गुरु नाम, अरे बेहद आपे उपजे और अनुभव के धर्मा। जिसको कोई लूट नहीं सकता, जिसको कोई काट नहीं सकता, जिसको कोई बांट नहीं सकता, वो अनुभव एक्सपीरियंस ही आप और हम सबका गुरु है। इसलिए उस अनुभव को हम कैसे हासिल करें ताकि हमारे भ्रम की और कर्म की रेखा कट जाए, इसी बात को एक पद में इस तरह से कहा है। महापुरुष कहते हैं कि तुम अपने निज घर में आ जाओ,
हमारा निज घर हमने ये बड़े बड़े बना रखे हैं, ये तो है, परंतु हमारा निज घर तो ये है, परंतु इसमें भी निज घर भजन करने का कौन सा, ऐसे संत वो ये कह रहे हैं। ए इंगला पिंगला नारी सुखमणा को लावे, सुखमणा को धावे, सद्भाव का प्याला मानव मात्र को सर्वांगसम स्थिति में पिलाएगा। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि ये हमारे कबीरपंथी है या इनके का वो है, वो है, ये हिंदू है, मुसलमान, वो नहीं होगा। वो प्याला सबको एक समान पिलाएगा। इसीलिए कहा है हम अपनी गाड़ी को रवाना करें, क्योंकि बहुत सारे गाने वाले हैं। इसलिए अगली पादान पर जो भी हमारे साथी आएंगे, बस वो इस गाड़ी को आगे चलाएंगे, और इस गाड़ी में बिठाने का आप और हम सबको जो एक उपक्रम किया, और वो हमारे लिए एक सौगात बात है, जिसमें हमारे समझ गए। तो इसलिए ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस संगीत की परंपरा और विशेष रूप से संतों की वाणी के जरिए से ये जज्बात पैदा किया, मैं उनको नमन करता हूँ, हेमंत जी को, क्योंकि वो और उसी की वजह से आप और हम सब इस गाड़ी में आज यहाँ पर है। ये गाड़ी धीरे धीरे इसी तरह से संतों के आगे चलती रहे, और ऐसे ऐसे यहाँ पर सब भी बैठे हैं, वो भी इसको किसी न किसी एक छोटी इकाई के रूप में इसको जारी रखें, क्योंकि गाया बिन पाया नहीं न अणगावन से दूर, और जिन गाया विश्वास से तो साहेब हाल हजूर। तो ऐसे विश्वास से गाने वाले जो यहाँ पर भी हाल हजूर हैं, और बस ये जज्बात आप और हम सब के इसी तरह अंदर में बना रहे, और ये गाड़ी निरंतर धीरे धीरे आगे बढ़ती रहे। इसलिए
कबीर साहब ने उस गाड़ी को बिठा करके अपने लक्ष्य पर पहुंचाने की एक बात कही है, इसी शब्द के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हम हमारे साथियों को सुनने की इच्छा है, इसलिए अंतिम एक पद और। ए जी धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो, अरे माली सींचे सो घड़ा, तुरी दुआवे पल हो। इसके लिए क्या करें, एक साधने की बात करिए, एक वो जो सबका एक है उसे। ए जी एक ही साधे सब साधे न सब साधे इकरार, अरे माली सींचे मूल को तो फूले फले अधार। और वो मूल जो सबका एक है, झाड़का का गोड़ में पानी कूड़ो तो सब दूर चले जाए, परंतु हम चतुरता के वजह से उसका माथा पे पानी कूड़वा लागे जाऊंगा, तो एकाले मूल पे गुड़ लो। और हमारा मूल कहीं है, मान सबको मूल एक है, और मूल को जिनने पकड़ा वो ऊपर चढ़ेगा, और ऊपर चढ़ करके भी यदि चाखा नहीं तो भी मन में होश रह जाएगा कि मीठा था कि खट्टा था कि चरपरा था। इसलिए आगे वो ये भी कहते हैं, ऐ जे मूल पकड़ा तो क्या हुआ न चढ़ने की गमना, अरे चढ़ा पर चाखा नहीं तो होश रही मनमा। अब मन में होश मत रखो, ऐसे गुरु महाराज यहाँ पर नरा है, और ही जुड़ी उसके पूरी कर सके, या वो इनके माध्यम से जो एहसास है, जो भेद है, हम अपने अंतर में प्रत्यक्ष अनुभूति करेंगे तो हमारी होश मिटेगी, नहीं तो कोई आज मिटनो न कोई काल। एक यूं भी क्योंकि खलक मिला खाली हुआ ने बहुत किया बकवाद, और बांध हिलावे पालना ने तामे कौन सुहाद। तो एक कहे ऐसा नहीं कि खाली यूं पालना के हिलाया करा। इसलिए होश तब मिटेगी जब एहसास होगा, और वो एहसास तब होगा जब इस गाड़ी को भी जतन से रख करके उस अनुभूति से हम वाकिफ हो सके, जो संतों के द्वारा, जो ऐसे महापुरुषों के द्वारा वो सेण या वो इशारा दिया गया है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हम अपने अंतर में करें तब। इसीलिए कहा है, अरे मन में होश न राखिए, मन में होश न राखिए, गुरु प्रकट दे, अरे तन सहित मन ले चलो और करो गुरु की से। इसलिए बैठ जाएं इस रूहानी और इस आध्यात्मिक गाड़ी में और अपने लक्ष्य पर पहुंचे। कैसे, रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाब।
सब जानते हैं। और जिस दिन ये गाड़ी भी टूट गई तो इसमें कोई लकड़ी की हो तो और भी उसको लकड़ी के फातरे ठोक लें, लोहे को तो वेल्डिंग करवा करके ठीक लो, पर इधर वेल्डिंग भी नहीं होगा यदि निकलने के बाद में। और इसको इतना सजाते संवारते करना चाहिए, परंतु इसमें से निकलने के बाद में और एक चीज निकलती है, सब जानते हैं, पांच तत्व का पुतला और मानुष धरिया नाम, और एक कला के बिछुड़ते बिसर गया सब ठाम। एक कला है जो सुप्रीम है, जो एक है, जो नाम है, जो ईश्वर है, अल्लाह है, वाहिगुरु, जो भी जिस लफ्ज से पुकारते हैं। उसके बाद में तुरंत चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, और रख लो एक दो महीने या पांच दस दिन, कोई नहीं रखता। इसलिए कहते हैं जाता है, आप सब जानते हैं। परंतु आजकल कहीं ऐसा भी हो रहा है कि जलाने और गाड़ने के पीछे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, जबकि माटी में माटी मिला और मिला पवन में पवन, और मैं तो है पूछूं पंडिता दोनों में मुआ है कौन। और सब जानते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, अमर है, अजर है, फिर भी पता नहीं क्यों रगड़ा झगड़ा हो गया। ये चिंतनीय विषय है, इसलिए आखिरी में सदगुरुदेव की। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को